कुछ लोग मानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेसी है, लेकिन भारत एक डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि भारत एक डिक्टेटरशिप है, लेकिन भारत डिक्टेटरशिप भी नहीं है, भारत कुछ और ही है। वो क्या है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल ही जाएगा। सारे नेता चोर होते हैं, एक भी ढंग का लीडर चुन के आता ही नहीं। नेता लोग इलेक्ट होने के बाद मुंह ही नहीं दिखाते तो काम क्या करेंगे? नेता बनने के बाद उनका काम ही होता है नेतागिरी करो, बिल्डर से पैसे खाओ और फॉर्च्यूनर में बैठकर मौज मनाओ। अगर आप भी यही सोचते हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी की मौत हो रही है, भारत नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसी एक डिक्टेटरशिप बन रहा है। चलिए इस स्टेटमेंट का जवाब एक्शन से देते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कैसे? नॉलेज के साथ। वेलकम टू भारत मेरी डेमोक्रेसी, एक सीरीज जो आपको एक बेहतर नागरिक बनने में और आपके लीडर्स को चुनने में मदद करेगी। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप लेफ्ट विंग है या राइट विंग, बस इस सोने की चिड़िया को उड़ने से नहीं रोकना है, वोट देना है, और वो भी जाति धर्म या फ्रीबीज के नाम पर नहीं, काम के नाम पर। वेट, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हमें समझेगा कैसे कि हमारे एरिया के नेता ने काम क्या किया है? चलिए आज के वीडियो में काम की बात करते हैं, समझते हैं कि हमारे MPs और MLAs करते क्या हैं और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम भारत में रहते हैं, यही हमारा घर है, और हम हमारे घर से प्यार करते हैं, इसीलिए जो अच्छा है उसकी प्रशंसा करते हैं और जो अच्छा नहीं उसमें सुधार लाने का हौसला रखते हैं एजुकेशन के साथ। अगर आपको हमारा ये सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस देश में कुछ नहीं हो सकता कहने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन सोल्यूशंस भी हैं और वो हर असली इंडियन तक पहुंचना जरूरी भी। चैप्टर 1, MP और MLA का मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या है, भारत सरकार क्या है, क्या एक इंसान है, एक पार्टी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं, सरकार एक सिस्टम है जिसके तीन स्तंभ हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, इनमें MPs और MLAs आते हैं जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली में लॉज पास करते हैं। एग्जीक्यूटिव बनाए हुए लॉज और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, इसमें प्रेसिडेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज और सारी ब्यूरोक्रेसी आती है। जुडिशरी बने हुए लॉज को इंटरप्रेट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड करता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी सारे कोर्ट्स आते हैं। ये हमारे भारत का स्ट्रक्चर। आज के वीडियो में हम लेजिस्लेचर पर फोकस करेंगे, जिनमें MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आते हैं। MP पार्लियामेंट में लॉज पास करते हैं जो पूरे देश पर लागू होते हैं, और MLA अपने अपने स्टेट की असेंबली में बैठकर स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं। लेकिन अगला सवाल आता है कि देश तो स्टेट्स को मिलाकर बना है, तो स्टेट्स किन बातों पर लॉज बना सकते हैं और सेंटर किन बातों पर? सवाल अच्छा है भाई, आया है पता के जाएगा। शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, जो स्टेट और सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डीमार्केट यानी सेपरेट करते हैं। जो आइटम्स यूनियन लिस्ट में है उन पर लॉज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, यानी अगर इन आइटम्स पर नए लॉज बनाने हैं या फिर पुराने लॉज चेंज करने हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के पास होती है। भारत एक राष्ट्र है तो कॉमन ग्राउंड्स होने चाहिए, नेशनल मुद्दों पर लॉ सेंटर ही बनाता है, जैसे नेशनल हाईवे का काम, रेलवे की डेवलपमेंट और फॉरेन पॉलिसी बनाने का काम। स्टेट लिस्ट के अंडर जो आइटम्स है उन पर कायदे सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है। स्टेट्स को कुछ एरियाज में फ्रीडम है, जैसे एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, लिकर एक्सेट्रा। आपको तो पता ही होगा कि कुछ स्टेट्स ड्राई स्टेट्स होते हैं जहाँ लिकर अलाउड नहीं होता, वैसे ही कुछ स्टेट्स में गैम्बलिंग इलीगल होता है। ये डिसीजन उन स्टेट्स पर छोड़ा जाता है, यानी ये कंट्रोल स्टेट के पास होता है। बेसिकली जो चीज स्टेट्स के लिए आवश्यक होती है, जैसे हॉस्पिटल, स्टेट हाईवेज, इंटीरियर रोड्स, डेट लेना है या नहीं, उन पर डिसीजंस वही स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है। अगर हर चीज के लिए सेंटर से अप्रूवल लेना पड़े तो प्रोसेस अननेसेसरली लंबी हो जाएगी। तीसरे लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लॉज बना सकते हैं। भारत एक डेमोक्रेसी है क्योंकि यहां पर सत्ता किसी एक इंसान या एक पार्टी के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ये तीन लिस्ट देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपके एरियाज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए असल में जिम्मेदार कौन है, सेंटर या स्टेट, MP या MLA। स्टेट्स के पास अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत पावर होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स में ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है और कुछ स्टेट्स काफी पीछे रह जाते हैं। पावर स्टेट और सेंटर में डिवाइडेड होती है और यही बेसिक प्रिंसिपल हमें एक डिक्टेटरशिप बनने से रोकता है। चैप्टर 2, MP और MLA के काम। MP या MLA के कामों को 5 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है।
लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, इलेक्टोरल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, डेवलपमेंटल पावर्स। नंबर वन, लेजिस्लेटिव पावर्स। MPs जो मिनिस्टर बनते हैं वो पार्लियामेंट में बिल प्रस्तुत करते हैं, अगर ये बिल्स बहुमत से पास होते हैं तो वो लॉज बनते हैं। हाँ, जो MP चुन के तो आए हैं लेकिन जिनकी सरकार बनी नहीं है, जो ऑपोजिशन में है या फिर रूलिंग पार्टी में तो है लेकिन कोई मिनिस्ट्री नहीं संभालते, वो भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिन्हें प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। लेकिन इनके पास होने के चांसेस काफी कम होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाता हूँ। 1952 से लेकर आज तक 300 प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए हैं और उनमें से सिर्फ 14 पास हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से सिर्फ 4% डिस्कस हुए हैं और बाकी के सारे 96% बिना किसी डिस्कशन के लैप्स हो गए हैं। प्राइवेट मेंबर बिल्स पर चर्चा ना होना हमारी डेमोक्रेसी का एक फ्लॉ है, जिसे इम्प्रूव होने की सख्त जरूरत है। जैसे MP सेंटर में कायदे बनाते हैं, वैसे ही MLA स्टेट्स में, वो स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स हैं उन पर कायदे बनाते हैं। नंबर 2, एग्जीक्यूटिव पावर्स। संसद में क्वेश्चन आवर होता है, जहाँ पर इलेक्टेड लीडर्स एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल अक्सर एलिगेशंस का रूप ले लेते हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। क्वेश्चन आवर का इस्तेमाल डेटा का इस्तेमाल करके सही सवाल पूछने के लिए होना चाहिए, जैसे कि CAG की रिपोर्ट या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी की फाइंडिंग्स। Sansad.in एक एक्सलेंट वेबसाइट है, यहाँ आपको अलग अलग बिल्स का डेटा मिलता है जिनके बेसिस पर आप एक लॉजिकल डिबेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कमिटीज के रिपोर्ट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। MPs का काम होता है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करें, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डेवलपमेंट की क्या प्रोग्रेस है, प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में सुना होगा। सरकार 5 साल में एक बार बनती है, लेकिन हो सकता है कि सरकार एक पार्टी की सरकार ना हो, वो गठबंधन या अलायंस वाली सरकार हो। हो सकता है कि सरकार की कुछ MP या MLA टर्म के बीच में ही सरकार से अपना सपोर्ट हटा दे। ऐसे सिचुएशन में ऑपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाती है। आसान भाषा में समझे तो उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी का सपोर्ट है। ये एक ऐसा फीचर है जो भारत को डेमोक्रेसी बनाए रखता है, डिक्टेटरशिप बनने से रोकता है, क्योंकि ये MLA या MPs के लिए एक चांस होता है खुद का सपोर्ट निकालने का। जब तक 50 मेंबर्स का सपोर्ट नहीं है, तब तक ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आगे नहीं बढ़ता, और ये 6 महीने में एक ही बार हो सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हर 3-4 साल बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट के हर सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल होता है तो सरकार गिर भी सकती है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गई थी, वो भी मात्र 1 वोट से। नंबर 3 है इलेक्टोरल पावर्स। MPs प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। लोकसभा के MPs स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। सिमिलरली राज्यसभा के MPs वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। हर स्टेट के MLAs अपने स्टेट से कुछ MPs राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। राज्यसभा में कुल 250 मेंबर्स हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। नंबर 4 है फाइनेंशियल पावर्स। MPs साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन से पैसे कहाँ जाने चाहिए, बाय पासिंग द बजट एंड द अप्रोप्रिएशन बिल। कितने टैक्सेस चार्ज होने चाहिए, हर मिनिस्ट्री पैसों का कैसे उपयोग कर रही है, ये सारी चीजें MPs देखते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बगैर देश पैसे खर्च नहीं कर सकता। नंबर 5 है डेवलपमेंटल पावर्स। ये एक MP का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसकी मदद से आपको पता चल सकता है कि आपका लीडर काम करता है भी या नहीं। इस पावर का बेसिक मतलब है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। हर MP को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करने के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इन पैसों से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम और MPLADS, जिसे 1993 में शुरू किया गया था। वहाँ आप देख सकते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितने पैसे एलोकेट हुए और उन्होंने कितने यूज किए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के वेबसाइट पर आपको स्टेट वाइज, सेक्टर वाइज कौन से एरियाज में प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं वो दिखता है। MPLADS के गाइडलाइंस के अनुसार इस स्कीम के अंडर सैंक्शन किए हुए प्रोजेक्ट्स 1 साल में कंप्लीट होने चाहिए। इस स्कीम का काम है पब्लिक के लिए फैसिलिटीज तैयार करना। अब वो फंड्स कैसे यूज होते हैं ये MP डिसाइड कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड पर आप MP का नाम डालकर देख सकते हैं कि उन्होंने कौन से एरियाज में प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। इसमें कहां कौन सा प्रोजेक्ट MP ने रिकमेंड किया है ये भी दिखता है।
यहाँ क्लिक करके आपको डिटेल्स मिलते हैं कि आपके इलेक्टेड लीडर्स कितने पैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड आई थिंक एज वोटर्स हमें ये जानना काफी इम्पोर्टेंट है कि हमारे MPs खुद पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, स्पेशली उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स को। एक चुना हुआ लीडर अपने एरिया में कौन सी सेंट्रल स्कीम्स आ सकती हैं ये देखता है, जनता से बात करता है और ओवरऑल अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। हमारे देश में हर MP के पास, हर MLA के पास बहुत सारी पावर होती है जिसका इस्तेमाल वो अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। खुद के काम से वो प्रूव कर सकते हैं कि वही सही कैंडिडेट हैं। और यही एक डेमोक्रेसी की पावर होती है। कोई एक लीडर डिसाइड नहीं करता कि देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। भारत एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी हम सब हमारे लीडर्स चुनते हैं और वो लीडर्स देश के डेवलपमेंट के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चैप्टर 3। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों? जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारे पास डेटा नहीं होता, पता करने का कोई जरिया नहीं होता कि हमने किस लीडर को चुनना है, क्या उसने पिछले 5 सालों में काम किया है या नहीं, और किया है तो क्या काम किया है, कितनी बार वो पार्लियामेंट या असेंबली में हाजिर था, उसने कितने सवाल उठाए और कितने बिल्स प्रस्तुत किए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसे मिलने वाले फंड को कैसे इस्तेमाल किया। ये बातें इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन्हें जाने बगैर अगर हम वोट देने गए तो किस बात पर वोट देंगे? किसी फालतू बात पर कि किसी ने फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉमिस की है तो उसे वोट दे दो, ये नेता फ्री में खाना बांटेगा तो उसे वोट दे दो। अब हमें आजाद होकर 75 साल हो गए हैं, अब तो हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा, काम के नाम पर वोट देना ही होगा। इसीलिए इस सीरीज के थ्रू हम चाहते हैं कि हमारा यंग ऑडियंस एक जागरूक नागरिक बने, खुद के वोट को सीरियसली ले और खुद का डिसीजन खुद ले पाए। सारा डेटा जैसे हमारे सामने है वैसे ही आपके सामने भी है, डेटा देखे और फिर अपना अमूल्य वोट एक काबिल इंसान को दे। एटलीस्ट किसी ऐसे को तो ना चुने जो कोई काम नहीं करता। पार्टी देखकर नहीं, काम का प्रूफ देखकर। क्या भारत डेमोक्रेसी रहेगा या नहीं, ये डिसीजन आपके हाथ में, जनता के हाथ में है। क्योंकि जब तक भारत की जनता इलेक्शन के दिन को छुट्टी का दिन नहीं कर्तव्य का दिन मानती है, उस दिन वीकेंड ट्रिप्स नहीं मानती बल्कि जाकर वोट देती है, लेट तक सोती नहीं, खुद भी जागती है और पूरे देश को भी जगाती है, तब तक भारत को डिक्टेटरशिप कोई भी नहीं बना सकता। डिविजन ऑफ पावर एक डेमोक्रेसी का मूल होता है और इसीलिए 2024 और हर एक इलेक्शन ईयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए इस साल हम आपको डेमोक्रेसी का एक एक्टिव हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम भारत को सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, यानी आप हमारे देश का, हमारे संविधान का, हमारी डेमोक्रेसी का एक एक्टिव हिस्सा बनाना चाहते हैं, ताकि हम शान से ये कह सके कि भारत मेरी डेमोक्रेसी। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।